बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। किसी चीज में मैं आसानी से बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड मैं फैक्ट्स और लॉजिक पे भी बिलीव करता हूँ। मैं पहले सोच रहा था वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं डरता था। बंदे के माइंड में 100 questions आते हैं, सस्पिशंस आती हैं, बंदा कहता है यार पता नहीं इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, बाद में मुझे कोई मसला ना हो जाए। लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, गूगल पे देखा, बट इट्स नॉट अ थिंग जिसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, बल्कि ये आपको प्रोटेक्ट करती है। और डेल्टा वेरिएंट इज़ अ वन ऑफ द वर्स्ट वायरस इन दिस वर्ल्ड, और अगर वो आपको हो जाए तो आप बेशक यंग हैं, आप समझते हैं कि अगर उनसे बहुत स्ट्रांग है, आप हॉस्पिटल ICU के अंदर जा सकते हैं। और जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगा। इधर अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपलसरी नहीं है, बट दे स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप वैक्सीन लगवाएं। कल मैंने अप्लाई किया और आज की मुझे डेट मिल गई। अदनान का मैंने साथ ही करवाया, मैंने कहा चलो एक ही घर से 2 बंदे चले जाएंगे, एक कंपनी हो जाएगी। तो आज हम दोनों जा रहे हैं भाई वैक्सीन लगवाने, हमारा फर्स्ट जैब, और फाइजर की वैक्सीन लगा रहे हैं। और फाइजर इज नंबर 1 वैक्सीन इन दिस वर्ल्ड नाउ। फाइजर को बता दूं ये USA की वैक्सीन है, और फाइजर आपको 95% कोविड से प्रोटेक्ट करती है, आपको सीवियर कंडीशन में जाने से बचाती है। और ऑस्ट्रेलियंस टारगेट रख रहे हैं कि 2021 के एंड तक 80% पॉपुलेशन फुल वैक्सीनेटेड होगी। इसलिए इट्स बेटर जो बाद में भी आपने काम करना है वो अभी कर लें, ताकि आप डेल्टा वेरिएंट से बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। जब आप वैक्सीन लगवाते हैं 10 मिनट के लिए आपको थोड़ी सी इधर दर्द होगी और सॉरनेस होगी इधर, और उसके बाद एक दिन के अंदर आपको थोड़ा सा हल्का सा बुखार होगा और आपको थोड़ी सी सर्दी लगेगी। इट्स अ कॉमन एंड नॉर्मल थिंग। तो आपने डरना नहीं है कि आपको पता नहीं क्या हो रहा है, वैक्सीन लगी है, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता। अभी अदनान आ गया और हम निकल रहे हैं। थोड़ा सा डर रहा है, मैं कहा डरना नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, बस ऐसे करना है पिच। एक मुझे लगता है 10 सेकंड के अंदर लग जाना, लेकिन 15 मिनट वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना एलर्जिक होते हैं वैक्सीन से, तो अगर उनकी बॉडी एलर्जिक होगी तो उधर रिएक्शन उनका 15 मिनट में नज़र आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आए, लेकिन मिलियंस के अंदर कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगाने के बाद फ़ौरन उनकी बॉडी एलर्जिक थी और उसके साइड इफेक्ट्स उसी टाइम पे नज़र आने लग पड़े थे। ऑस्ट्रेलियंस ने सिर्फ 2 किस्म की वैक्सीन अभी इम्पोर्ट की हैं, अभी इन्होंने खुद कोई नहीं बनाई, एक फाइजर है और एक एस्ट्राजेनिका है। एस्ट्राजेनिका वो ज़्यादा बूढ़े लोगों के लिए अच्छी है, वो यंगस्टर्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बनते हैं आपके अंदर, और ये कुछ केसेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आए थे एस्ट्राजेनिका के। तो इसलिए फाइजर इज द बेस्ट अगर आपको डेट मिल रही है। तो अदनान लेट्स गो, डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, चलो लेट्स गो मैन, चलें मिलते हैं आपको वैक्सीन वाली जगह पे। चलो भैया, रश तो बहुत ज्यादा, लाइन में खड़ा होना पड़ा है, बहुत ज्यादा वापस चले जाएंगे, बहुत ज्यादा लाइन लंबी लगी हुई है, कोई फायदा नहीं है यार इतना जलील होने का। मैं समझा कि स्पेशली हमें टाइम दिया है ये वाला उन्होंने, लेकिन बहुत जनता को टाइम दिया उन्होंने से भी। ये जरा गौर फरमाइए, यहाँ हम कोविड वैक्सीन लेने के बजाय ना कोविड घर साथ लेके जाएंगे, तो इट्स बेटर इतनी लंबी लाइन इतनी भीड़ में खड़ा होने के बजाय बंदा वापस ही चले जाए और नई डेट पहले इनसे। बहुत ज़्यादा लोग हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, लोग इतने एक दूसरे के करीब खड़े हुए हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन हम पता करते हैं कि ये लोग फाइजर लगवाने के लिए आए हैं सारे। ये देखें लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, पता ही कोई कुछ होता, लाइन का भी नहीं पता कहाँ से शुरू हो रही है। इधर आ जा, दूर रह लोगों से, करीब ना जाना किसी के। अब लाइन देखें कहाँ से शुरू हो रही है, ये भी नहीं समझ आ रही यार, बहुत जनता है, क्या होगा, हम कहाँ आ गए, रुक जा दो भीड़ में खड़ा। ओ शिट मैन, वो लाइन देख उधर से शुरू हो रही है मेरे ख्याल से। चला हम उधर देखते हैं, पूछते हैं सिक्योरिटी गार्ड से, पूछा है, उसने कहा है कि इधर से आप एंटर हो रहे हैं, और इतनी लंबी लाइन, इधर से लाइन शुरू हो रही है और वो एंड पे जाके कॉर्नर से आपने शुरू करना है। और हमें, मुझे लगता है कि ये रात पड़ जाएगी जो हमारी बारी पड़ेगी, तो इससे बेटर है कि फिर किसी दिन आ जाओ, या तो बंदा टाइम से थोड़ा पहले आए ताकि लाइन में आप फर्स्ट नंबर पे लग सको, वरना इट्स नॉट अ गुड थिंग। ऐसे घूम के आ गए, हमने घंटे की ड्राइव करके गए थे और घंटे की ड्राइव करके आए हैं, तो विदाउट एनी रीज़न आ गए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है अभी दोबारा अपॉइंटमेंट लेंगे, आज मंडे था तो वीकेंड में जितने भी पोस्टपोन अपॉइंटमेंट थी वो सारी आज थी, तो आज बहुत ज़्यादा रश था, तो अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी है, हम यहाँ से बर्गर खाएंगे। फाइनली हम घर आ गए बिना वैक्सीन के। अदनान क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था,
हम गए वहाँ पे इतना ज्यादा रश था कि मुझे नहीं लगता कि रात 12 बजे तक भी हमें वैक्सीन लगती थी। तो फिर हम ऐसे ही आगे लेकिन इंजॉय किया। फॉर्चुनेटली उस दिन हम वैक्सीन नहीं लगवा सके और इसी तरह वापस आ गए। अभी दोबारा मैंने अपॉइंटमेंट लिया, तो इंशाल्लाह जिस दिन मैं दोबारा वैक्सीन लगवाने जाऊँगा तो फिर एक नया व्लॉग बनाऊंगा, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि वैक्सीन का कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये विदाउट वैक्सीन के ही व्लॉग बना। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वॉट इट इज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।